हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गार्ड लाइन रेलवे क्वार्टर्स संभाग में मामूली विवाद के चलते एक मारपीट की घटना सामने आई है, जहां आरोपियों ने पीड़ित को चाकू घोपकर मारने की कोशिश की, जिससे पीड़ित की हालत गंभीर है। मामले में जख्मी हुआ युवक 27 वर्षीय शिवा अय्यास्वामी पुवाड़े अपनी 52 वर्षीय माँ सुंदरवल्ली पुवाड़े के साथ गार्ड लाइन रेलवे क्वार्टर्स संभाग में रहता है। पिता का निधन होने के बाद ये दोनों अकेले ही इस क्षेत्र में रहते हैं, जहां सुंदरवली रेलवे में रोजनदारी से काम करती है। दरअसल दिनांक 18 अप्रैल रात 9:30 बजे शिवा के घर का बल्ब फ्यूज हो गया, जिससे कि शिवा निकटतम दुकान से बल्ब लाने अपनी बाइक से गया था। वापस लौटते समय बीच रास्ते में कुख्यात आरोपी 22 वर्षीय मोहम्मद अजमान मोहम्मद नियाज और 19 वर्षीय मोहम्मद शिबान, जो कि बोरीपुरा के निवासी हैं, वह किसी लड़की से बात करते हुए खड़ी थी। दोनों बातचीत में इतने मग्न थे कि शिवा ने बजाया हॉर्न भी उन्होंने नजरअंदाज किया। उसी बीच शिवा ने गाड़ी रोककर दोनों को टोका, जिससे आहत होकर आरोपी मोहम्मद अजमान मोहम्मद नियाज ने शिवा के पेट पर धारदार चाकू से वार किया, जिससे स्थानीय क्षेत्र में मौजूद लोगों ने शिवा को इलाज के लिए मेयो में भर्ती कराया है। साथ ही मामले की सूचना मिलते ही तहसील पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस मामले में निहित मुख्य आरोपी मोहम्मद अजमान मोहम्मद नियाज पर पहले भी गंभीर मामले दर्ज है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप बुवा ने। दिनांक 18 अप्रैल 2024 रोजी रात्री 9:30 वाजताची घटना है। यातील फिर्यादी सुंदरवल्ली पवाड़े यांचा मुलगा या राहतात रेलवे क्वार्टर गार्ड लाइन येथे त्या राहतात। त्यांचा मुलगा बल्ब आणण्यासाठी बाहेर गेला होता, तो जेव्हा परत आला रात्री 9:30 वाजताच्या सुमारास, तेव्हा त्यांच्या घराजवळ जाण्याच्या रस्त्यावर त्यातील आरोपी अजमान व दुसरा आरोपी मोहम्मद शेबान हे रस्त्यावर गाडी मध्यभागी गाडी लावून बसले होते। त्यावेळेस त्यांच्यासोबत एक मुलगी होती। यातील फिर्यादीचा जो मुलगा आहे त्यांनी गाडीचा हॉर्न वाजवला तरी ते गाडी त्यांनी रस्ता सोडला नाही, तेव्हा त्या गाडी त्यांनी स्टँड लावून उतरला व त्यांना सांगितले की हॉर्न बजा राहू आप रस्ता नाही छोड रे, तेव्हा ती मुलगी तेथून निघून गेली। आरोपी 1 नंबर आणि 2 नंबर यांनी जखमी आहे त्याला त्याच्या शिवीगाळकडून भांडण करण्यास सुरुवात केलं। त्यावेळेस आरोपीने त्याच्याजवळ जो चाकू होता त्यांनी यातील जखमीला 2 स्टॅबिंग करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यावरून तहसील पोलीस स्टेशन येथे CR 256/24 APC 307 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपी 1 व 2 हे अटक आहेत। यातील आरोपी क्रमांक 1 मोहम्मद अजनान मोहम्मद नियाज याचा यापूर्वीचा एक गुन्हा 324 गुन्हा दाखल आहे। त्यातील आरोपी क्रमांक 2 दुसरा यापूर्वीचा कोणता गुन्हा नाहीये। आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीत आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।